नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट की वजह से भी काम कर सकते हैं, जहां पे माउस का इस्तेमाल न करना पड़े। अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो पूरे वीडियो को देखिए, आपको सिखाता हूं कि कीबोर्ड के अंदर इस वाले बटन से क्या काम होता है, उस वाले बटन से काम होता है, सारी चीजें। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लाइफ में काम आने वाला। उसके पहले हाँ, चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंचे। दोस्तों चलिए दोस्तों, लैपटॉप में बहुत सारे पार्ट लगे रहते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड लगा होता है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें कंप्यूटर में कुछ कमांड देना है, कंप्यूटर से हमें कुछ काम करवाना है तो कीबोर्ड के माध्यम से काम करते हैं, क्लियर है ना। देखिए दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, एक तो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट कीबोर्ड लगा रहता है, देखिए कीबोर्ड लगा हुआ है ये, ठीक है। और या चाहते हैं तो आप अलग से एक कीबोर्ड लगा करके, ऐसे कीबोर्ड लगा करके जो कि यूएसबी के माध्यम से या तो वायरलेसली लगा करके काम कर सकते हैं, चाहे आप इसका यूज करिए चाहे आप इसका यूज कर लीजिए। एक चीज और नोटिस कर लीजिए, मान लीजिए आपका लैपटॉप है, घर के अंदर 3-4 मेंबर हैं और लैपटॉप को यूज करते हैं, तो आप क्या करिए ना, एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लीजिए, क्योंकि जब लैपटॉप में 4-5 लोग काम करेंगे ना तो इस कीबोर्ड खराब होने की संभावना ज्यादा रहेगा और इसको रिपेयरिंग करने की कॉस्ट ज्यादा आता है। इसलिए बेटर यह है कि घर के 3-4 लोग काम करें तो अलग से कीबोर्ड लेकर के उनको दे दीजिए और काम कर सकते हैं, और ये खराब होगा तो सस्ते में बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसको सिखा रहा हूं तो समझ लीजिएगा कि डिटो यही कीबोर्ड काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको लैपटॉप कीबोर्ड के ऊपर और आपको सिखाते हैं वन बाय वन करके। चलिए आइए देखिए दोस्तों, देखिए इसमें बहुत सारे की दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा कीबोर्ड दिया हुआ। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है ना तो पूरे को देखिए, आपको वन बाय वन करके बताने प्रयास करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट में करता हूं, देखिए एक आपको दिया हुआ है बैक स्पेस बटन और एक दिया हुआ आपका डिलीट बटन। तो मेरे एक परिचित थे, मैंने उनसे पूछा कि बैक स्पेस में और डिलीट में क्या अंतर होता है, तो बता ही नहीं पाए। तो मैंने सोचा जब उनको नहीं मालूम है बैक स्पेस में और डिलीट में क्या अंतर होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को भी मालूम होगा, तो इस वीडियो में समझिए कि ये बैक स्पेस में और डिलीट में क्या अंतर होता है। तो हम कुछ खोल लेते हैं, जैसे कि इसमें हम टाइपिंग करते हैं, जैसे कि मैं खोल लिया कि NOTE नोट पैड एक एप्लीकेशन खोल लिया, इसमें मैंने लिख दिया और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ MyNAME नेम इज JOGENDRA, ठीक है, जो गंदा लिख दिया। अब देखिए ये बैक स्पेस काम कहाँ होता है, डिलीट का कम काम होता है। अगर आप कंप्यूटर में समझ रहे हैं तो कंप्यूटर में सेम होता है और लैपटॉप में सेम होता है। देखिए ये जो हम डिलीट करना है जोगिंदर को ना, मैं अगर बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या पीछे से डिलीट करता है। देखिए बैक स्पेस को पीछे से डिलीट करते हैं, कुछ मैटर डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाते हैं तो पीछे से चीजें जो है डिलीट होंगी ऐसे करके, ठीक है, डिलीट हो रही है। और फिर ये अगर मैं डिलीट बटन यहाँ प्रेस कर देता हूँ, डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, देखिए कुछ नहीं होगा ये, ठीक है, डिलीट प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों काम एक जैसा नहीं है, दोनों काम थोड़ा सा भिन्न है। दोनों का चीज होता है डिलीट करना, लेकिन जो बैक स्पेस होता है ना वो पीछे से मैटर को डिलीट करता है। मैंने प्रेस किया, बैक स्पेस हो गया, प्रेस हो गया। अब जब मैं आगे जाता हूँ, मान लीजिए आगे से प्रेस करता हूँ तो बैक स्पेस काम नहीं करेगा, यहां से मुझे डिलीट करना है तो मैं अब क्या करूंगा, डिलीट प्रेस करूंगा। देखिए ये डिलीट जो होता है वो आगे से डिलीट करता है, ठीक है, देख रहा ना, ये आगे से डिलीट करता है, तो समझ गया ना। तो कोई पूछे कि बैक स्पेस में और डिलीट में क्या अंतर होता है, तो कह दीजिए मैटर को डिलीट करना कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर तो बैक स्पेस पीछे डिलीट करता है और आपका डिलीट बटन जो है आगे से डिलीट करता है, क्लियर है ना। फिर उसके देखिए पहला शॉर्टकट की हो गया, फिर दूसरा शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। ये हूँ, मान लीजिए कि आपने जो है 4-5 प्रोग्राम खोल रखा है, जैसे मैं खोल लेता हूँ गूगल क्रोम खोल लिया मैंने, मान लीजिए उसके बाद मैंने इसको जो है मिनिमाइज कर दिया, फिर उसके बाद मैंने मोजिला खोल लिया, उसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, और उसके एक प्रोग्राम और मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम को मैं खोल के और ये खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे 5 प्रोग्राम खुल चुके हैं, अब चाहता हूँ 5 प्रोग्राम खुल चुके हैं और 5ों पे काम कर रहा हूँ, तो एट ए टाइम किया तो माउस का क्लिक करूँ मैं, इस पर क्लिक करके उस पर क्लिक करूँ, जैसे माउस लेकर आऊँगा यहाँ लेके जाऊँगा, उस पर क्लिक करूँ उसको क्लिक करूँ कर सकता हूँ, या एक शॉर्टकट बटन होता है अपने लैपटॉप के अंदर, देखिए ऑल्ट दिख रहा है, ऑल्ट बटन, ये ऑल्ट ऑल्ट दिख रहा है, ऑल्ट को हम प्रेस कर रखेंगे, उसके बाद ये टैब बटन होता है, इसको प्रेस करेंगे तो जैसे हम प्रेस करेंगे देखिए ये हमारे साथ प्रोग्राम खुल के आ गए हैं। तो हमको जिसको भी ऑन करना है, जैसे मान लीजिए कि इस पर प्रोग्राम करना है, तो मैं ऑल्ट को यहाँ छोड़ के यहाँ पे ऑल्ट छोड़ दूंगा तो ये बड़ा हो गया ये, ठीक है। फिर चाहता हूँ मैं इसको हटा करके और फिर मैं ये फिर चेंज करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं मोजिला खोल लिया एक बार में ही। फिर चाहता हूँ गूगल क्रोम खोलने के लिए तो गूगल क्रोम में खोल सकता हूँ। तो ये आप ऑल्ट के साथ में ये टैब बटन को करके आप काम कर सकते हैं, क्लियर है ना, ये समझ गए आप, ऑल्ट के साथ टैब बना करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर हो चुका।
फिर एक बटन आता है कि बहुत सारे प्रोग्राम खुल चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि सब मिनिमाइज हो जाए, सब छोटा हो जाए, ठीक है, सब छोटा हो जाए, तो उसमें एक बटन शॉर्टकट की और बटन होता है, जैसे आपका दिख रहा ना एक इस कीबोर्ड में दिखेगा आपको ये वाला साइन दिखेगा, दिख रहा आपको नहीं साइन दिख रहा है, ये दिख रहा ना साइन, इसको कहते हैं विंडोज की बोलते हैं, विंडोज की बोलते हैं, और ये हो गया, इसको हम प्रेस किए रखेंगे और इसके साथ में हम डी दबा देंगे, देखिए अब ये डी दबा देंगे तो जितने प्रोग्राम खुले हुए हैं ना बैकग्राउंड के अंदर, ये सब क्या डी दबाने के बाद में सब देखिए मिनिमाइज हो गए, सब कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, क्लियर है ना। फिर मुझे बड़ा करना है, फिर विंडोज के साथ में डी दबा दूंगा, देखिए सब प्रोग्राम रिवर्स हो गए, क्लियर है ना। दो शॉर्टकट की देखिए, ये समझ चुके आपने, ये हो चुका है, तो तीन कीबोर्ड मैंने की, तीन शॉर्टकट की मैंने बता दिया आपको, ये हो चुका। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ चीज बंद होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम खोल रखा आपने है, जैसे कि सोच लीजिए ये प्रोग्राम मैंने खोल रखा है, या तो हम जाए अपने माउस से और इस कोने में क्लिक करें, कोने में क्लिक करके हम यहां से जाके कोने में क्लिक करके बंद करेंगे, ये ऑप्शन हो सकता है। एक शॉर्टकट की दिया होता है कीबोर्ड के अंदर, देखिए ऑल्ट बटन दिख रहा, कोई दिख रहा ऑल्ट दिख रहा नहीं, ऑल्ट बटन है, ऑल्ट के साथ में एक बटन होता है F4, ऑल्ट को प्रेस किए रहेंगे उसके बाद F4 प्रेस करेंगे हम, तो ये बताएगा कि बंद हो गया, क्लियर ना, तो ये बंद हो गया। उसी प्रकार से कुछ भी प्रोग्राम खोल लेंगे, जैसे जैसे गूगल क्रोम मैंने खोला हुआ है, हम चाहते हैं इसको बंद करना, ये बंद हो जाए, मैं अब इस पर काम, तो सिंपल तरीके से ऑल्ट के साथ में F4 को प्रेस कर देंगे, तो देखिए हमारा ये प्रोग्राम यहाँ, देखिए यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे, तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, क्लियर है ना। तो चार शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की एकदम पूरा, इसको नोट कर लेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और या आपको लैपटॉप बंद करना, मान लीजिए आपके लैपटॉप पर टचपैड काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आपको शॉर्टकट तरीके से बंद करना, कैसे बंद करेंगे, तो यहाँ भी अगर इसको ऑल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे ना, तो देखिए पूछ के आ रहा है बंद करने के लिए। अब मैं क्या करना, सिंपल तरीके से मैं शट डाउन करके यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो सिंपल तरीके से ओपे ऑलरेडी सेलेक्ट है, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ F4 कर प्रेस करने पे कोई चीज खुला होता है उसको बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F4 की का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। फिर देखिए इसी कीबोर्ड के अंदर एक बटन दिया रहता है ए एस्केप, ठीक है, पहला बटन दिया एस्केप दिया हुआ है, एस्केप एस्केप कह सकता हूँ, कैंसिल बटन है, मतलब कि कुछ चीज को कैंसिल करना है तो एस्केप प्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये विंडो खुला हुआ है, ये वाला विंडो वाला, अब मैं चाहता हूं भी नहीं मुझे काम करना, तो सिंपल मैं क्या करना है, इसको दबा देना, मुझे इसको दबा दूंगा मैं, तो देखिए ये यहां से हट जाएगा, ठीक है ना, तो आप एस्केप बटन जान चुके हैं, ठीक है, ये हो चुका। फिर उसके बाद कभी कभी क्या है कि लोग जब काम करते हैं लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, चार पांच फाइलें खोल लेते हैं, चार पांच फाइलें खोलने के बाद में हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर जो है हैंग कर जाता है, करता नहीं कभी हैंग करता है, या तो उसको डायरेक्ट बंद कर दीजिए, चाहे कंप्यूटर हो जाए चाहे लैपटॉप हो जाए, या कुछ तरीका होता है उसको करने के लिए, बता देखिए। ये देखिए एक बटन दिया था कंट्रोल, दिख रहा ना, CTRL दिया, कंट्रोल दिया रहता है, एक दिया था ALT ऑल्ट दिया रहता है, उसके बाद दिया रहता है एक डिलीट, ठीक है, ये तीन बटन को एक साथ दबाना होता है, ये दोनों को एक साथ दबाए रखेंगे, उसके बाद ये हम डिलीट बटन को एक साथ दबा देंगे, तो क्या हमारा टास्क मैनेजर खुल जाएगा, इसको हम खोलेंगे, देखिए खुल के आ गया, टास्क मैनेजर खुल गया होगा। अब क्या करते हैं, यहां से हम टास्क पर क्लिक करके हम उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं जो प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, तो हमारा जो लैपटॉप और कंप्यूटर हैंग किया हुआ है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, क्लियर है, समझ चुके ना ये, तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट के बाद दबाने के बाद में हमारा ये ऑप्शन खुल के चला आता है, ठीक है। फिर हमने एस्केप दबा के इसको बैक में आ गए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बताया मैंने, आपको समझ आ गया। फिर बहुत बार क्या होता है ना कि लैपटॉप पे काम करते, जैसे हमको चाहिए ना रिफ्रेशमेंट के लिए चाय पीते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, तो उसी प्रकार से लैपटॉप में कंप्यूटर में भी रिफ्रेश किया जाता है, या तो आप माउस को ऐसे ले आए, क्लिक ले आइए और यहां से जाकर के रिफ्रेश पर क्लिक करिए, तब रिफ्रेश होता है, देखिए रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा हमारा जो है सिस्टम तेज हो जाता है काम करते करते फॉर टाइमिंग के लिए। उसी प्रकार से आप चाहते हैं तो देखिए इस पर एक बटन दिया रहता है F5, देखिए F5 है ना, F5 बटन, इसको जब प्रेस करेंगे आप है तो देखिए आपका सीधे रिफ्रेश हो रहा रिफ्रेश हो रहा ना, तो ये F5 से आप चाहें तो रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है ना, तो देखिए F5 से आप रिफ्रेश कर लिया आपने, ठीक है, समझ चुके हैं ना। देखिए उसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि सर कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बेसिक और डिटेल में बता दीजिए, कैसे कैसे लैपटॉप कीबोर्ड के बारे में क्या क्या करते हैं, चलिए बात बात है, देखिए शुरुआत इस साइड से करते हैं हमें, देखिए बहुत सारे लैपटॉप का शो का देखेंगे उसमें ये वाला पोर्शन नहीं दिया होता है, ये दिया हुआ ना, ये पोर्शन नहीं दिया, जो 14 इंच के लैपटॉप होंगे या 13 इंच के लैपटॉप होंगे उसमें ये वाला पोर्शन नहीं दिया जाता, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की पैड बोलते हैं। तो जब 15 इंच का लैपटॉप लेंगे, बड़ा लैपटॉप लेंगे, तो उसके अंदर आपको ये वाला सेक्शन मिलता है, ठीक है, या तो जो कंप्यूटर हमारे पास पड़े तो उसके कीबोर्ड होते हैं उसमें सेक्शन मिलता है। देखिए ये जो ये इसको लॉक करना आपको ना, इसको मतलब मान लीजिए इसको यूज नहीं करना, तो आप ये अनलॉक को दबा देंगे, जब ये दब जाएगा तो देखिए मैं खोलता हूँ, देखिए ये है आपको, मैं कुछ खोल लेता हूँ, NOTE नोट पैड हमने खोल लिया, अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं
ये नंबर लिख रहा हूँ, देख सेवन प्रेस कर रहा हूँ, सेवन नहीं टाइप हो रहा, सेवन एट नाइन टाइप कर रहा हूँ, नहीं टाइप हो रहा, नहीं हो रहा टाइप हो रहा ना। अब क्या करना हमको, ये अनलॉक बटन दिया है ना, अनलॉक बटन, इसको मैं दबा दूंगा ऐसे, मान ली दबा दिया इसको मैंने, इसको मैं अनलॉक कर दिया। अब मैं सेवन प्रेस कर रहा था कि सेवन जो है काम कर रहा है, एट जो काम कर रहा है, नाइन जो काम कर रहा है, फोर जो काम कर रहा है, सिक्स, ये मतलब सारे बटन काम कर रहे हैं। अब फिर मैं इसको दबा देता हूँ, मान ली अनलॉक दबा दिया, लॉक कर दिया। अब मैं प्रेस कर रहा था कि कोई बटन काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तो अनलॉक बटन का काम क्या होता है कि इस सेक्शन को लॉक करना हो गया। अब देखिए इसमें कोई बटन काम नहीं करेगा, कोई बटन, जैसे इसको मैं अनलॉक हटा दिया, उसके एंटर मार रहा हूँ तो हमारा सब काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये पोर्शन इसके लिए होता है। उसके बाद देखिए ये जो चीज़ें दी हुई हैं आपका, ये वन टू थ्री फोर, ये बोलते हैं एरो की बोलते हैं। मान लीजिए कि कुछ भी काम करना है तो इसको यहाँ पे अपने माउस को ले लिया है, तब देखिए इसको प्रेस करेंगे, देखिए प्रेस कर रहे हैं तो हमारा ये जो है हमारा पॉइंटर जो है हमारा इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इधर प्रेस करेंगे तो हमारा पॉइंटर जो इधर मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको हम प्रेस करेंगे तो डाउन की तरफ जा रहा है, इसको हम प्रेस करेंगे अप की तरफ जाएगा। तो ये बोलते हैं एरो की बोलते हैं, क्लियर है ना, समझ चुके। देखिए बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको, कि बहुत सारे लोगों के कहते होंगे यार हमको आता है, लेकिन जान ले इसको नहीं आता उसके लिए मतलब रामबाण एक तरह से, बहुत मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हो चुका। देखिए लैपटॉप में क्या होता है ना कि जगह कम दिया होता है, जगह कम देने के बाद में बहुत सारी चीज़ों को संकुचित किया जाता है, छोटा कर जाता है। तो इसमें क्या करना, देखिए यहाँ पर एक बटन आपको दिखेगा शिफ्ट, दिख रहा है शिफ्ट, दिख रहा है शिफ्ट, दिख रहा है शिफ्ट। दिखने के बाद में इसका क्या होता है कि ये सिंगल यूज में काम आता है, कहीं मतलब अकेले में इसका अस्तित्व नहीं है, ये किसी और बटन के साथ काम करे तभी इसका इसकी बोर्ड मतलब इसकी का अस्तित्व है। तो भाई क्या करना है, मान लीजिए कि इसके ऊपर देखिए टू दिया हुआ ना, टू साइन दिया हुआ है, टू ये टू दिया, उसके ऊपर दिया एट द रेट दिया हुआ है, ये थ्री दिया हुआ, इसके ऊपर हैश दिया हुआ, फोर दिया, उसके ऊपर आपका डॉलर दिया हुआ। अब क्या करना, मान लीजिए मुझको यहाँ पर डॉलर मतलब फोर टाइप करना है, यहाँ ले जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करना मुझे फोर टाइप करना, तो सिंपल मैंने फोर प्रेस कर दिया, देखिए मैंने फोर टाइप होना स्टार्ट हो गया, होना स्टार्ट हो गया फोर टाइप होने का। लेकिन मैं चाहता हूँ यार मुझे जरूरत पड़ गया ये डॉलर साइन जो साइन करना दिया ना, इसको मुझे टाइप करना डॉलर साइन को, तो अब कैसे मैं इसको कैसे मैं डॉलर साइन कैसे पर करूँ। तो हमें क्या करना होता है ना, देखिए शिफ्ट बटन दिया हुआ, शिफ्ट बटन दिया हुआ, शिफ्ट को प्रेस करे रहेंगे और उसके बाद डॉलर को हम प्रेस करेंगे तो देखिए डॉलर बनना स्टार्ट हो गया, ले रहे ना। क्योंकि देखिए फोर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, डॉलर साइन का इस्तेमाल कम होता है, तो इसलिए शिफ्ट के साथ में डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहते हैं, शिफ्ट के साथ में आप चाहते हैं कि आप परसेंटेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं परसेंटेज कर सकते हैं, वरना सिंपल दबाऊंगा फाइव टाइप होगा और इसके साथ दबा दूंगा तो आपका शिफ्ट टाइप हो जाएगा, क्लियर है ना। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन चीजें देखिए ये हो गया है। फिर कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर भैया मुझे बता दीजिए कि जो है छोटा लेटर बड़ा लेटर कैसे टाइप करना होता है, तो ये भी दिक्कत नहीं। देखिए ये ए लिखा हुआ है, ए अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ए प्रेस कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये छोटा लेटर लिख रहा है, छोटा लेटर ना दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ बड़े लेटर मुझे कुछ टाइप करना है तो कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ बटन दिया होता है कैप्स लॉक, हर कीबोर्ड में दिया जाएगा, चाहे कंप्यूटर कीबोर्ड हो जाए चाहे आपका लैपटॉप कीबोर्ड हो जाए, तो इस कैप्स लॉक की को ऐसे दबा देंगे। अब देखिए लाइट जल गया यहाँ पर, अब यहाँ पर ए टाइप करता हूँ, देखिए क्या होगा, ये लिख रहा है कैपिटल लेटर के अंदर, दिख रहा है कैपिटल लेटर के अंदर, ये आपको देखिए इस तरीके से कर सकते हैं कैपिटल लेटर के अंदर, ये आपका ए टाइप हो गया। तो अब मैं कुछ भी लिखूंगा वाई वाई जो भी चीजें हैं वो, फिर मैं इसको प्रेस कर दूंगा कैप्स लॉक को दबा दूंगा तो आपको टाइप करूंगा तो क्या होगा, देखिए स्मॉल लेटर लिखना स्टार्ट हो गया, एकदम क्लियर समझ चुके हैं ना। फिर देखिए उसके बाद जो है कुछ की और दिए होते हैं, ऊपर देखिए लाइन दिया एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव, ठीक है। तो इसका अलग अलग यूज होता है, जैसे कि अलग जैसे बायोस में एंट्री करना है तो हम जो है कभी कभी F2 से एंट्री करते हैं, कभी कभी इसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। तो इसको कोई पूछे आपको कौन सा की होता है, जान लीजिए इसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल दे रहा आपको मैं, मान लीजिए कि आप जो है F12 का प्रेस करना चाहते हैं, F12 प्रेस कर सकते हैं, उसके बगल दिया साइन दिया हुआ है, ये देखिए वॉल्यूम का, यहाँ पे दिया वॉल्यूम तेज करना है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो म्यूट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बगल दिया वॉल्यूम को मतलब कम बेसी करना। तो इस जो देखिए ब्लू दिया, ब्लू साइन दिया हुआ, ब्लू साइन दिया हुआ, ये ब्लू दिखा हुआ, एफ ट्वेल्व नॉर्मल व्हाइट कलर में है और ये ब्लू कलर में है। तो अगर ब्लू वाला यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिया एफ एन की फंक्शन की साथ में, आप इसको प्रेस करेंगे तब ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की इसके लिए दिया हुआ है, ये ऐसे लाइट वो करना आपको है। तो देखिए इसको मैं जो हूँ लैपटॉप को चीज़ों को मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ा सकता हूँ, मैं कम करना चाहता हूँ कम कर सकिए, अंधेरा हो गया ना लैपटॉप को, तो ये फंक्शन की के साथ में यहाँ साइन बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ इसको मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, तो ये फंक्शन की के साथ में ये कुछ चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। ये हो चुका है। फिर इसी प्रकार से जिस भी कीबोर्ड के ऊपर मतलब दो साइन बना हुआ है तो हमेशा शिफ्ट की के साथ में ये काम करेगा, क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ की और बता दिए हमको, ये कंट्रोल के साथ में अगर नोटपैड आपने खोल रखा है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है, वर्डपैड खोल रखा है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की होते हैं। देखिए देखिए हमने मान लीजिए कि लिख दिया माय नेम इज
जोगेंद्र लिख दिया। अब मुझे कुछ माने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबा दिया हमने, सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्ट मतलब सबको हमने एक बार में एक ही कलर में जो है कर लिया। अब चाहते हैं इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी साथ में हमने इसको कॉपी कर लिया। अब चाहते हैं इसी चीज को जो है बहुत बार लिखना हमको है तो हम कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, तो देखिए पेस्ट होता चला गया कंट्रोल पी। क्लियर है ना। अब चाहते हैं कि नहीं यार मैं जिस कंडीशन में था सबको डिलीट करना चाहता हूँ, सबको डिलीट करना चाहता हूँ, फिर कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल ए दबा दिया करके हमने कंट्रोल ए दबा दिया, फिर डिलीट बटन दिया उसको हम सिंपली ऐसे करके डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद में, तो डिलीट हो गया। क्लियर है ना। तो कंट्रोल के साथ में कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल वी मतलब कॉपी हो गया, कंट्रोल एक्स मतलब कट हो गया। ठीक है, फिर एक होता है कंट्रोल जेड, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया, जैसे लिख दिया जे ओ जी ई एन डी आर एस, जोगेंद्र लिख दिया। अब जोगेंद्र लिखने के बाद में क्या है कि मैं चाहता हूँ इसको अंडू करना, री अंडू करना, तो देखिए कंट्रोल हमने इसको क्या किया, कंट्रोल ए कर दिया और उसके बाद हमने कंट्रोल क्या कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया, तो देखिए क्या हो गया, पुराना वाला गया। तो बहुत विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है कि लैपटॉप में कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व होता है। अगर आपने पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप कीबोर्ड में मास्टर पक्का बन जाएंगे और कीबोर्ड को इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आए और वीडियो आपको सीखे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पता आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर होते हैं ना, छोटी छोटी चीज सीखना चाहते हैं, इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ फायदा। दोस्तों चलिए आप सब लोग को